आप अपने दोस्त को पैसा भेज रहे हैं, जरा सोच के देखिए, या हो सकता है कि फ्यूचर में आपके साथ भी ऐसी घटना हो जाए कि आप अपने दोस्त को अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। आपसे टाइप करते वक्त या लिखते वक्त मिस्टेक ये हो गया कि कोई डिजिट जो है वो चेंज हो गया, होता है ना, क्योंकि अकाउंट नंबर तो बहुत लंबा होता है, उसी में ध्यान नहीं रहा, कहीं पे भी मिस्टेक हो गया। इसके कारण से अकाउंट, जिसके अकाउंट में पैसा जाना था उसके अकाउंट में न जा करके किसी अनजान आदमी के अकाउंट में पैसा चला गया। अब ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा? अगर आएगा तो उसके क्या तरीका है? अगला बंदा पैसा रिटर्न करने से मना कर दे तो फिर किस तरीके से पैसा रिटर्न किया जा सकता है? इन सब के बारे में अगर जानकारी लेना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके ही काम से रिलेटेड है और फ्यूचर में कभी ना कभी इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। भले आपको ना पड़े लेकिन आपके आसपास के लोग हैं उनको ज़रूरत पड़ सकती है, तो जानकारी रहेगा तो उनको आप हेल्प भी तो कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। देखिए दोस्तों, हम लोग इंसान हैं और एक मिस्टेक जो है ना इंसान से ही होता है, और पैसे के मामले में थोड़ा हड़बड़ाहट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा सबको प्यारा लगता है, पैसे से सारा दुनिया एक तरह से चल रहा है, सारे काम हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में कभी कभी होता है अगर हमारे हाथ से पैसा निकल जाता है तो बहुत घबराहट होने लगती है। और अगर अमाउंट छोटा हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर अमाउंट हैवी हो तब तो और दिक्कतें होने लगती है। और ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये तो कॉमन मिस्टेक है ना, लोगों से हो जाता है मिस्टेक। चलिए समझते हैं कैसे करना है। इस कंडीशन में दो बातें होगी, समझ लीजिए। यहाँ पर पहला ये होगा कि आपका जो अकाउंट है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप ही सेंड कर रहे थे, ट्रांसफ़र कर रहे थे और दूसरे के अकाउंट में चला गया, और वो अनजान आदमी के अकाउंट में गया है जिसको आप जान ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे एक केस ये होगा कि आपका जो बैंक है, मतलब कि अकाउंट जो है जिस बैंक में है और जिसको पैसा गया है उसका भी अकाउंट उसी बैंक में है, तो मतलब बैंक सेम हो गया। जस्ट लाइक कि आपका अकाउंट अगर SBI में है और जिसको भेजे हैं वो भी अकाउंट SBI में है, डिफरेंस यहाँ पे यही होगा कि आपका ब्रांच कोई और है और वो ब्रांच पूरे इंडिया में कोई और भी हो सकता है जिसको आप नहीं जानते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको पैसा रिटर्न करना आसान हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए जस्ट लाइक कि आप पैसा जो है अपने फैमिली में, मान लीजिए कि एक गार्जियन, एक फैमिली है जिसमें 5-6 मेंबर हैं और एक गार्जियन है, आप पैसा किसी और मेंबर को देना चाह रहे थे, गलती से पैसा आपको ध्यान नहीं रहा, उस मेंबर को न देकर किसी और मेंबर को दे दिए। अब क्या है, जब पैसा आप रिटर्न चाहेंगे तो आप अपने गार्जियन को कहेंगे, यहाँ पर सिर्फ आपके गार्जियन को कहना है और वो पैसा वो गार्जियन उस बंदे से लेकर के आपको रिटर्न कर देगा और फिर आप जिसको देना चाहते हैं उसको पैसा दे सकते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये होगा कि आप जिस अकाउंट, मतलब जिस बैंक में आपका अकाउंट है इससे पैसा किसी और बैंक के अकाउंट में चला गया है, मतलब SBI में अकाउंट है चला गया HDFC बैंक के किसी और अकाउंट होल्डर के पास, जो अनजान आदमी है उसके पास चला गया। तो इसको भी मतलब समझ लीजिए कि जैसे कि आप अपने फैमिली मेंबर में ना भेज करके, पैसे ना दे करके किसी दूसरे दूर के गांव वाले जो है उसके किसी मेंबर हैं, फैमिली मेंबर है, उसको आप पैसा दे दिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पे। क्या? क्योंकि आप अपने फैमिली मेंबर में किसी मेंबर में नहीं दिए हैं, तो ऐसे में आप अपने गार्जियन को कहेंगे भी तो भी गार्जियन के पास उतना पावर नहीं रहेगा, वो जो है उस गांव में जा करके, उस गांव में जिस मेंबर के है उस मेंबर का जो गार्जियन होगा उसको कहा जाएगा, फिर वो रेडी होगा, पूरा चेक करेगा, सारे प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, तब जा करके ना आपको पैसा रिटर्न किया जाएगा। मतलब इतना प्रोसेस तो हो ही जाएगा। तो यही चीज़ बैंकिंग सिस्टम में भी अप्लाई होता है कि अगर पैसा जिस अकाउंट से गया है जिसमें गया है दोनों सेम बैंक है तो पैसा जल्दी रिटर्न हो जाएगा। जल्दी मतलब कितना, एक सप्ताह के अंदर अंदर पैसा आपको रिटर्न आपके अकाउंट में आ जाएगा कंप्लेन करने के बाद। क्या क्या प्रोसेस है वो भी आगे बताने वाला हूँ। दूसरा कि अगर बैंक दोनों दो अलग है, मतलब भेजने वाला बैंक अलग है और जिसमें गया है वो बैंक अलग है, तो उसमें आपको लग सकता है 2 महीना या 2 महीना से ऊपर 6 महीना भी लग सकता है, प्रोसेस लंबा हो सकता है क्योंकि पूरे वेरिफिकेशन होगा, पैसे की मामला है। अब होगा कैसे, कैसे रिटर्न होगा इसको समझते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि जैसे ही पैसा, आपको तो पता चल ही जाएगा ना कि जिसको भेज रहे हैं उसको पैसा रिसीव नहीं हुआ, अगले घंटे तो पता ही चल जाएगा या अगले मिनट कुछ मिनट में पता चल जाएगा कि आप जो पैसा भेजे हैं गलती से किसी और के अकाउंट में चला गया है। अब आपको यहाँ पे करना ये है कि आपको एक रिटर्न कंप्लेन देना है आप अपने ब्रांच में जा करके, जिस ब्रांच से पैसा निकला है, मतलब कि आप पैसा भेज रहे हैं तो आप अपने बैंक में जा करके, अपने ब्रांच में जा करके रिटर्न कंप्लेन दे कि बाय मिस्टेक ये गलती हो गया, ये पैसा इस अकाउंट में गया है। पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना है कि इसी बैंक में आप जो है मैनेजर से या स्टाफ से आप जो रिक्वेस्ट करें, बताया जाए कि ये जो पैसा गया है
कौन से इंसान या किसके नाम पे ये अकाउंट है, ये अकाउंट होल्डर के बारे में पूरी डिटेल्स की जानकारी आप ले सकते हैं। क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है, मतलब गलत क्या, आपके साथ मिस्टेक हो गया है जिसके कारण आप ही कंप्लेन कर रहे हैं, तो आपको डिटेल्स मिल सकता है। अब अगर ऐसा हो गया, अगर पूरा डिटेल्स ना दे, तो आप एक काम करिए कि आप अपने बैंक के स्टाफ से पूछिए कि ये जो पैसा गया है किस ब्रांच में, किस बैंक के किस ब्रांच में गया है, ये तो जानकारी मिल सकता है ना। और चूंकि आप जब भेज रहे होते तो IFSC कोड की जरूरत पड़ती है, अगर वो भी ना दे तो आप ऑनलाइन जो है IFSC कोड डाले, आपको पता चल जाएगा कि ये जो मतलब ये ब्रांच है या बैंक है ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसका एड्रेस क्या है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया रहता है। आप फ़ोन करके भी उनको कंप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं मैनेजर को। लेकिन आप अपने बैंक ब्रांच में तो देंगे ही देंगे रिटर्न कंप्लेन, उस ब्रांच में जिसके अकाउंट में गया है, जहां वो ब्रांच है, जो बैंक है, उसमें जा करके भी आप एक रिटर्न कंप्लेन दे कि आपके बैंक के आप ही के ब्रांच में इस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में मेरा पैसा मिस्टेक से आ गया है, इसलिए उस पैसे को रिटर्न किया जाए। अब होगा क्या यहाँ पे, इसके बाद समझिए। इसके बाद जैसे ही आप अपने बैंक में कह दिए, आप अपने बैंक में बोले हैं, तो आपका बैंक जो है उस अकाउंट होल्डर या जो ब्रांच में है, मान लीजिए अगर सेम बैंक है, सेम बैंक का मतलब दोनों SBI SBI है, दोनों HDFC HDB है, दोनों PNB PNB है, तो ऐसे में आपका ब्रांच मैनेजर जो है फॉरवर्ड करेगा इस कंप्लेन को उस ब्रांच के मैनेजर को, और वो मैनेजर क्या करेगा, उस पैसे को अगर रखा हुआ है तो होल्ड कर देगा, वहाँ पे पैसे को होल्ड कर देगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो पैसा किसी भी केस में निकाला नहीं जा सकता है। किसी भी केस का मतलब कि जब तक अकाउंट होल्डर परमिशन ना दे, बैंक के पास कभी पावर नहीं है कि आपके अकाउंट में या किसी भी कस्टमर के अकाउंट में पैसा है तो वो आपके परमिशन के बिना वो पैसे को निकाल ले या कुछ काम कर ले। इसीलिए देखते हुए कि बार बार बैंक जो है एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, रिटर्न परमिशन लेने की कोशिश में रहता है, तो वो सब कारण यही होता है। अब होगा ये कि जिस बैंक में पैसा गया है वो ब्रांच मैनेजर क्या करेगा, वो अपने कस्टमर को, जिसके अकाउंट में गया हुआ पैसा, उस कस्टमर को बुलाएगा, उसको नोटिस देगा या फ़ोन करके बुलाएगा कि आपके अकाउंट में मिस्टेक से पैसा है, आप ब्रांच आइए। जब ब्रांच आएंगे तो उनको डिटेल बताया जाएगा, अगर वो सहमत हो गए तो एक रिटर्न एप्लीकेशन पे जो है परमिशन लिया जाएगा और उस पैसे को फिर रिटर्न कर दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, और इस तरह से आपको पैसा रिटर्न आ जाएगा। पहला। दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लीजिए कि जिसके अकाउंट में पैसा गया है वो बंदा कहता है नहीं, मैं अब पैसा रिटर्न नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे अकाउंट में आ गया है पैसा, अब मेरा पैसा हो गया। अब उस कंडीशन में क्या करिएगा, अब आपको तो पैसा देने से रहा, तो उस कंडीशन में लीगल सहारा आपको लेना पड़ेगा, लीगल कंप्लेन करना पड़ेगा। लीगल का मतलब हो गया कानूनन सहारा लेना पड़ेगा, जिसके तहत RBI का जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार उस बंदे को पूरा जवाब देना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ से आया, किस पर्पज से आया। पूरा जवाब तो है, पैसा आया है तो कोई ना कोई या तो वर्क किया है, कोई ना कोई उधार लिया है, वो उधार रिटर्न किया, क्या किया है, तो वो तो जवाब दे नहीं पाएगा। ऐसे कंडीशन में उसको फोर्सफुल्ली रिटर्न करवाया जा सकता है, अगर वो प्रूफ कर देता कि हाँ ये पैसा इस बंदे ने जो भेजा है बाय मिस्टेक नहीं भेजा है, बल्कि वो कभी ना कभी लिया था या कोई काम किया है इसलिए भेजा है, तब रिटर्न नहीं होगा। क्योंकि आप भेजे हैं पैसा, वो तो आपके बाय मिस्टेक हुआ, तो उसका और आपका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई पैसा उधारी होगा ही नहीं, तो फिर पैसा उसको बंदे को तो हर हाल में देना पड़ेगा। और इसी चीज़ के चक्कर में जब वो रिफ्यूज़ कर देता है देने से पैसा, लीगल प्रॉब्लम मतलब आ जाता है, लीगल सहारा लेना पड़ता है, तो आपको ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन इतना गारंटी होता है कि आपको पैसा रिटर्न मिलेगा। आप न्यूज़ ज़रूर सुने होइएगा कुछ दिन पहले कि किसी अनजान आदमी जो है तुमको स्टूडेंट था या स्टूडेंट लाइफ में जी रहा था, उसके अकाउंट में मतलब कि लगभग 800 या 900 करोड़ रुपया आ गया था, और वो जो है मना कर रहा था, वो पैसा देने से मना कर रहा था। इसी तरह से बहुत सारे केस कभी न कभी न्यूज़ में आता है, किसी से मिस्टेक हुआ, कभी कभी बैंक से मिस्टेक हो जाता है, बैंक के स्टाफ से, किसी अकाउंट होल्डर से मिस्टेक हो जाता है, कस्टमर से भी मिस्टेक हो जाता है, किसी से हो सकता है। और जिसके अकाउंट में जाता है जब रिफ्यूज़ नहीं मतलब रिफ्यूज़ कर देता है पैसा देने से, मना कर देता है, वो न्यूज़ हेडलाइंस बन जाता है, लेकिन देना तो पड़ता ही है। आई होप आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या स्टेप लिया जा सकता है जिसके थ्रू जो है आप पैसे को रिटर्न कर सकते हैं। एक और मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, अगर इतना तक देखे हैं कि आप ऑफलाइन तो कंप्लेन करें ही करें, ऑनलाइन भी कंप्लेन कर दे, जिस भी ब्रांच में जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो उसका जो ऑनलाइन सिस्टम होता है कंप्लेन करने का, वहाँ भी कंप्लेन करें, ताकि स्टेटस को आप ट्रैक भी करते रहें। और अगर ये इन्फॉर्मेशन रियली में वाकई आपको लगता है रियली में आपके लिए हेल्पफुल है,
आपके पड़ोसी के लिए, आपके रिलेशन के लिए हेल्पफुल है, तो मैं चाहूँगा आप मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट लाइक से कर सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा है तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो।